हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी भदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी मौजूद हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूँ और मैं SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में काम करता हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉ सर्जरीज के बारे में। अब जॉ सर्जरी वैसे तो सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसमें असेसमेंट, प्लानिंग, 3D प्लानिंग, ये सब की ज़रूरत होती है। और हमें असेसमेंट से कभी कभी ये भी जानना होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हम सोच रहे हैं सिर्फ उसी जगह पे हो। अपर जॉ, लोअर जॉ, चिन, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो जॉ सर्जरी में आते हैं। कभी कभी तो डायग्नोसिस बिल्कुल क्लियर होता है कि ठीक है, लोअर जॉ में प्रॉब्लम है या सिर्फ चिन में प्रॉब्लम है। लेकिन कभी कभी हमें सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस, जो कि एक स्पेशल तरीके का एक्सरे होता है, उससे पता चलता है कि प्रॉब्लम शायद जो हम सोच रहे हैं वहाँ नहीं बल्कि कहीं और है, या फिर मे बी सिर्फ एक कंपोनेंट में प्रॉब्लम नहीं है, दो कंपोनेंट्स को करेक्ट करना होगा। तो ये बहुत सारी प्लानिंग लगती है जॉ सर्जरी में। तो अगर हम इमेजिंग की बात करें तो आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर कौशल की थोड़ा सा वो बताएं एक सिंपल तरीके से कि हम क्या इमेजिंग करवाना चाहते हैं जॉ सर्जरी की प्लानिंग के पहले। तो अक्सर हमारे पास जब जॉ सर्जरी रिलेटेड पेशेंट आते हैं तो उनको दो प्रॉब्लम होती है। एक तो उनकी सिमेट्री उनको सही नहीं लगती, और दूसरा उन्हें लगता है कि उनके दांत या तो आगे हैं या पीछे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं स्माइल लाइन में, उनकी स्माइल में डेंटल शो नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लैटरोसेफलोमोग्राम और साथ में CBCT करवाते हैं। CBCT हमें 3D प्लानिंग में हेल्प करता है, और लैटरल सेफलोग्राम के साथ हम पता लगाते हैं कि किस जॉ में मेन प्रॉब्लम है, किस जॉ की सर्जरी हमें करनी है, या हमें दोनों जॉ को एड्रेस करना है सर्जरी के थ्रू। इसमें एक और चीज़ है कि कभी कभी हमें ये भी पेशेंट को बताना पड़ता है कि टीथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ब्रेसेस के थ्रू हमें टीथ को आगे या पीछे या कभी कभी कुछ टीथ को एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। ये हमें प्लानिंग के थ्रू ही पता चलता है कि हम किसको कैसे एडजस्ट करेंगे, वेदर हम वो जो भी टीथ का काम है वो हमें पहले करना है या बाद में करना है या कुछ साथ में भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जॉ सर्जरी की प्लानिंग में लगती हैं। ऑफ कोर्स जीनियोप्लास्टी एक स्पेशल तरीके की जॉ सर्जरी है जिसमें हम सिर्फ चिन का हिस्सा कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर जॉ की सर्जरी है जैसे कि BSSO, जो जॉ सर्जरी में इंटरेस्टेड पेशेंट्स हैं उनको ये टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन लगती होगी। ये बायलैटरल सजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटमी है। डिटेल जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मैंने इसका थोड़ा विस्तार किया ये टर्मिनोलॉजी का। तो BSSO से क्या होता है कि ये पूरी की पूरी जॉ आगे आ जाती है। बाकी जो अपर जॉ की सर्जरी है उसमें कभी कभी होता है कि जो मैग्जिला या अपर जॉ को हम मैग्जिला बोलते हैं, लोअर जॉ को हम मैंडिबल बोलते हैं, तो जो अपर जॉ का जो पोर्शन है वो कभी कभी बड़ा होता है। स्माइल में हमें जॉ शो ज़्यादा है या फिर जो टीथ हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम है उसमें हमें देखना पड़ता है कि हमें सिर्फ अपर जॉ चाहिए या लोअर जॉ चाहिए या एक कॉम्बिनेशन सर्जरी चाहिए। अब हम कुछ केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं जिसमें कि आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर कौशल दैट ही विल क्विकली टेक यू थ्रू 3 or 4 यू नो केसेस वेयर व्हाट वी हैव डन। तो आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा कि ये रिक्वायरमेंट जो अगर आपके दिमाग में है कि आप जॉ सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो वेदर आप सही सोच रहे हैं या नहीं, या फिर आपको और इन्फॉर्मेशन मिले और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले कि जो आपके दिमाग में जो बात है कि हाँ ये जॉ सर्जरी से मुझे अचीव होगा, तो कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको लग सकता है इन केसेस के थ्रू। वी विल स्टार्ट विद द केसेस। स्टार्टिंग ऑफ विद द केसेस, दिस यंग फीमेल केम टू अस। इनकी चीफ कंप्लेंट थी कि इनका डेंटल शो काफ़ी ज़्यादा था, और साथ ही साथ इनको लगता था कि इनका ऊपर का जो जबड़ा है जिसको हम मैग्जिला कहते हैं वो काफ़ी बड़ा है। तो हमने इस केस की जब असेसमेंट करी, थॉरो प्लानिंग करी, तो हमें पता चला कि इनका एंटीरियर मैग्जिला, जो आगे का मैग्जिला का हिस्सा था, वो बड़ा था। तो पहले हमने इस पर ऑर्थोडोंटिक दांतों का ट्रीटमेंट किया जिसके साथ हमने ब्रेसेस दिया। ब्रेसेस के साथ हमने पहले टीथ को अलाइन किया। अलाइन करने के बाद हमने इनके मैग्जिला का एंटीरियर हिस्सा को कट करके ऊपर की तरफ फिक्स किया, जिसके बाद अगर आप देखें इन फोटोज़ में तो दिस वॉज द इनिशियल प्रोफाइल विथ विच पेशेंट प्रेजेंटेड टू अस। लेकिन सर्जरी के बाद इनकी स्माइल, ओवरऑल डेंटल शो, टीथ अलाइनमेंट काफ़ी बेटर हो गया और एक सिमेट्रिकल प्रोफाइल पेशेंट को मिल पाया। अगर हम साइड से देखें, लैटरल व्यू से इनकी देखें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका लिप इनकॉम्पिटेंट थे, होंठ बंद नहीं हो रहे थे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि डेंटल शो कितना ज़्यादा था। पोस्ट सर्जरी अगर हम असेसमेंट करें तो लिप की प्रोफाइल, लिप का क्लोजर, लिप की सिमेट्री, साथ ही साथ जॉ की सिमेट्री और इवन इन्फीरियर, क्योंकि हमने जब जॉ को ऊपर किया तो नीचे वाला हमारा ऑटो रोटेट हुआ मैंडिबल,
जिसके साथ हमारी लोअर जॉ लाइन भी काफ़ी बेटर हुई। हालांकि इसमें हमने लोअर जॉ में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो प्री पिक्चर है और जो पोस्ट पिक्चर है उसमें लोअर जॉ में भी चेंज आपको नज़र आ रहा है। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो जैसे ये वाली पिक्चर है, ये अगर हम इसको इस पिक्चर को इससे कंपेयर करें तो ओवरऑल एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल सेकेंड फेस में लगता है। तो इतना इमेंस चेंज एक सर्जरी से हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जॉ सर्जरी में कि एक भी स्कार बाहर नहीं है। जो भी हम कट लगाते हैं, जो भी अप्रोच है जॉ के लिए, चाहे वो लोअर जॉ हो चाहे अपर जॉ हो, ये सारा कुछ सब कुछ मुंह के अंदर से होता है। अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो ये यंग मेल पेशेंट हमारे पास आया और उनकी मेन कंप्लेन ये थी कि इनको अपना नीचे का जबड़ा बहुत छोटा लगता था। अगर हम पिक्चर्स भी देखें इनकी प्री ऑप, तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि इनके लोअर जॉ में डेफिनेटली सिमेट्री की इशू है, छोटा है। और साथ में अगर हम देखें तो लिप कॉम्पिटेंसी भी नहीं है, क्योंकि जब बोन छोटी होती है सॉफ्ट टिश्यू से फॉलो करता है तो लिप भी पीछे की तरफ प्लेस्ड है। हमने इसमें BSSO प्लान किया, पूरी लोअर जॉ को हमने एंटीरियरली मूव किया और इसमें देख सकते हैं कि लिप कॉम्पिटेंसी पोस्ट ऑप पिक्चर में लिप कॉम्पिटेंसी बेटर हो गई है, जॉ लेंथ बेटर हो गई। ऑल दो डिजायर्ड रिजल्ट इससे बेटर हो सकता था क्योंकि इट वॉज एन आइडियल केस फॉर डिस्ट्रैक्शन, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पर टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस होने की वजह से वी हैव प्लान्ड BSSO इन दिस केस। तो डिस्ट्रैक्शन, जैसे अगर मैं बहुत शॉर्ट में अगर बता दूँ तो डिस्ट्रैक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि हम बोन को खींच के बड़ा करते हैं। मतलब एक तो हुआ कि कट करके हमने आगे किया और उसको फिर मिनी प्लेट से जोड़ दिया और बीच में बोन फॉर्मेशन हो गई, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हमें गैप मिल रहा है बोन बढ़ाने के बाद, बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि हम इतना गैप जो है वो फिल नहीं कर पाते। तो डिस्ट्रैक्शन के मेथड से क्या होता है, हमें उसमें एक फ्रैक्चर लाइन क्रिएट कर देते हैं और उसमें फिर हम एक स्पेशल तरीके का डिवाइस लगाते हैं और उसको धीरे धीरे टर्न करके बोन को हम ग्रो करवाते हैं। तो उसमें वो डिवाइस कुछ टाइम तक लगा रहता है फेस पे, तो ऑब्वियसली वो उसमें स्पेशल तरीके से हमें केयर लेनी पड़ती है और वो अलग तरीके की सर्जरी है। ये आइडियल कैंडिडेट था वैसे, लेकिन इसमें हमने नहीं किया, हमने बस BSSO किया क्योंकि इनकी अपनी लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। ये भी केस है जिसमें कि हमें असेसमेंट में पता चला कि इनका लोअर जॉ शॉर्ट है। अगर हम नेक चिन एंगल की बात करें तो ये शॉर्ट थी, प्रोफाइल सही नहीं आ रही थी, लिप इनकॉम्पिटेंट था इस केस में। अगर हम पोस्ट ऑप में देखें BSSO करने के बाद, तो अगेन व्हाट वी कैन सी कि जो फेशियल प्रोफाइल है वो कॉन्वेक्स प्रोफाइल से एक स्ट्रेट प्रोफाइल में आई है, इनकी चिन प्रोमिनेंट हुई है, साथ में लिप का पोस्चर बेटर हुआ है। तो किसी भी जॉ सर्जरी के साथ जब हम बोन की मूवमेंट करते हैं तो इट गिव्स अस रिजल्ट विद बोथ हार्ड टिश्यू एज वेल एज सॉफ्ट टिश्यूज। तो अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो हम इनके अगर फेशियल प्रोफाइल को देखते हैं तो हमें ये देखने में लगता है कि एक ओवल फेशियल प्रोफाइल है और इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, इनको शार्प फीचर्स चाहिए थे। जो प्राइमरी प्रॉब्लम इनकी थी वो नोज़ में थी, इनको लगता था कि नोज़ इनकी शार्प नहीं है। तो पहले ये राइनोप्लास्टी के लिए आई मेरे पास, हमने राइनोप्लास्टी किया, लेकिन उसके बाद भी इनको लग रहा था कि अट्रैक्टिवनेस कोशेंट और भी बढ़ सकता है या वो डिज़ायर्ड जो चेंज ये चाह रही थी लोअर जॉ में, इनको लग रहा था कि राइनोप्लास्टी करवाने से ओवरऑल फेशियल प्रोफाइल में जितना परसेंटेज ऑफ चेंज आएगा उतना उनको लगा कि शायद अचीव नहीं हुआ। तो देन शी केम टू डिस्कस अगेन, फिर हमने डिस्कस किया और ये मैंने पहले भी सजेस्ट किया था इनको कि हम चिन पे काम कर सकते हैं ओवरऑल। अगर हम राइनोप्लास्टी के साथ भी अगर चिन इम्प्लांट करते हैं या चिन की कोई सर्जरी करते हैं तो हम ओवरऑल एक बेटर फेशियल प्रोफाइल कर सकते हैं। तो ये उन्होंने सेकेंड सर्जरी में प्लान किया। जब हमने सेकेंड सर्जरी में इनके चिन के चेंजेस प्लान किए, चिन और हमने बकल फैट रिमूवल ये प्लान किया, तो ओवरऑल तीन चेंजेस इनके हुए हैं। राइनोप्लास्टी जिससे कि नोज़ को शार्प किया, जीनियोप्लास्टी विद चिन इम्प्लांट दैट मीन्स वी हैव एनहेंस द चिन, एंड द थर्ड इज बकल फैट रिडक्शन जिसमें कि हमने एक चीक ग्रूव का क्रिएशन किया। तो अगर हम इनके पोस्ट ऑप पिक्चर देखते हैं तो ये फेशियल प्रोफाइल जो है वो उस फेशियल प्रोफाइल से काफ़ी चेंज है। इसमें वही तीन चेंजेस हैं, चिन को हमने थोड़ा बड़ा किया है, फॉरवर्ड भी लेके आए हैं हम चिन इम्प्लांट से, बकल फैट रिडक्शन किया है, जो ये सटल सा ग्रूव आप देख रहे हैं ये है बकल फैट रिडक्शन का रिजल्ट। और राइनोप्लास्टी तो ऑफकोर्स है ही, और ये सेटल्ड राइनोप्लास्टी है बिकॉज जो फर्स्ट सर्जरी और सेकेंड सर्जरी में ऑलमोस्ट 1 ईयर का डिफरेंस इन्होंने दिया, तो ये जो राइनोप्लास्टी का रिजल्ट है ये एक सेटल्ड राइनोप्लास्टी का रिजल्ट है, बिल्कुल सेटल हो चुका है ये रिजल्ट, तो ये फाइनल रिजल्ट हम कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली द ग्रेडियंट ऑफ चेंज दैट वी अचीव, जो फर्स्ट जो हमारा फेशियल प्रोफाइल था उससे जो फाइनल चेंज हमने अचीव किया उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली
जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो वही चेंजेस रिक्वायर्ड थे एंड इनको डिजायर्ड रिजल्ट मिला। जब हम लास्ट केस की बात करें इस डिस्कशन में, तो ये जो यंग मेल है, इनका सिंपल एक ही पॉइंट प्रॉब्लम का था, वो था कि मेरी चिन वीक लगती है और मुझे सिर्फ और सिर्फ चिन ही कराना है। हालांकि अगर हम डिस्कस करें तो नोज़ भी थोड़ा डाउनवर्ड पॉइंटिंग है, हम नोज़ को भी शार्पन कर सकते थे और जॉ लाइन भी शार्पन कर सकते थे। जो चिन का एंगल है, वो नेक चिन का एंगल, वो बहुत शार्प नहीं है, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ चिन पे फोकस थी और उनको लगता था कि हमें चिन ही चेंज करना है एंड ही वॉज हैप्पी विद द रिज़ल्ट। एक सटल सा चेंज हमने चिन में अचीव किया है और फेशियल जो प्रोफाइल है वो एक थोड़ा सा जो कॉन्वेक्स था उससे थोड़ा स्ट्रेट प्रोफाइल हो गया है एंड ही इज़ हैप्पी। थोड़ा हमने फैट ग्राफ्ट ऐड किया इनके चीक पे एक सेकेंड सेशन में, जो कि हमने लोकल एनेस्थीसिया में किया एंड आई थिंक दैट ओवरऑल यू नो ही वॉज इम्प्रूव, या एंड ही वॉज हैप्पी एट द एंड विद द रिजल्ट, राइट। सो आई थिंक इन समेशन डॉक्टर कौशल कैन गिव यू अ जस्ट यू नो ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द प्रोसीजर इटसेल्फ, हाउ इट इज़ डन। तो डॉक्टर कौशल, थोड़ा सा अगर आप प्रोसीजर के बारे में शॉर्ट में बताएं कि स्कार्स कैसे होते हैं, पोस्ट ऑप क्या रहता है और 5-6 दिन का प्रोसेस कैसा रहता है पोस्ट ऑप के बाद। तो जब हम जॉ सर्जरीज के बारे में बात करते हैं, तो सबसे मैम ने जैसा पहले भी बताया कि इसमें कोई भी स्कार हमारे फेस पे नहीं आता, क्योंकि हम जो भी सर्जरीज करते हैं वो मुंह के अंदर से करते हैं। सारे हमारे कट्स, सारे इंसीजन, सब कुछ हमारे मुंह के अंदर से होता है। जब हम म्यूकोजा के थ्रू जाते हैं तो थोड़ी स्वेलिंग ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू स्किन इंसीजन। और पोस्ट ऑप में जो हमें ख्याल रखना होता है वो खाने पीने का मेन होता है। तो हम पेशेंट्स को अपने सेमी सॉलिड डाइट बोलते हैं और रेगुलर माउथ रिंसिंग का एडवाइस करते हैं, ताकि हमारा जो ओरल फ्लोरा है उसकी वजह से हमारा वुंड साइट या इंसिजन साइट कंटामिनेट ना हो और इन्फेक्शन के लीस्ट चांसेस रहें। साथ ही साथ यदि हम बायजॉ सर्जरी करते हैं तो उन सर्जरीज में हम एक स्प्लिंट लगाते हैं मुँह के अंदर, जो कि थोड़े टाइम के लिए हम मुँह में देते हैं, ताकि हमारा जो मस्कुलेचर एडजस्टमेंट है, जिस नए जगह पे हमने बोन को एडजस्ट किया है, वो बॉडी के साथ अडेप्ट हो और नए मूवमेंट्स को हमारा बॉडी प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो जैसा कि ऑर्थोरैथिक सर्जरी या जॉ सर्जरी एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रोसीडर है, इससे हम मिड फेस, लोअर फेस की पूरी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, एक सिमेट्री दे सकते हैं पेशेंट को। और ये 3-डाइमेंशनल होता है, इसमें हम एंटेरियो पोस्टीरियर आगे पीछे ऊपर नीचे और दाएं बाएं की सारी एसिमेट्रीज को करेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को हम दूसरे ट्रीटमेंट्स को भी कॉन्जॉइन कर सकते हैं ऑर्थोनैथिक सर्जरीज के साथ या जॉ सर्जरीज के साथ। जैसे कि अगर मान लो फेशियल एसिमेट्री है, थोड़ा सा बोनी करेक्शन हमने किया और साथ साथ में हमने उसको फैट ग्राफ्टिंग के लिए एडवाइस किया, तो हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं और फेशियल एसिमेट्री को बहुत हद तक हम करेक्ट कर सकते हैं। दिस वॉज अ शॉर्ट डिस्कशन ये हमने किया, सो दैट जॉ सर्जरी का थोड़ा और व्यू आपको मिले और आपको रिजल्ट वाइज आपको समझ में आए कि ये किन लोगों में होता है और कैसे हम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो, डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो हमने बनाया है, वो आपको अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। अगेन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारा जो उद्देश्य है हमारे चैनल SB एस्थेटिक्स के थ्रू, वो यही है कि आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपके लिए आसान हो, आप समझें प्रोसीजर्स को, आप अपने कंसल्टेशंस में रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ सकें। हमें बहुत खुशी होती है जब पेशेंट ऑलमोस्ट एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेके लिख के आते हैं कि डॉक्टर मुझे ये सवाल का जवाब, और तो हमने आपका वीडियो देखा है, लेकिन क्योंकि आपने कहा था कि हमें अपने सवाल लिख के लाने हैं, तो हमने लिख के अपने क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं और आप हमें इनका जवाब दीजिए, और वो बाकायदा नोट करते हैं उन जवाबों को। तो यू नो हमेशा प्लानिंग इज ऑलवेज द एसेंस ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोसीजर, ऑफ एनी सक्सेसफुल यू नो वट एवर वी अंडरटेक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू डॉक्टर कौशल इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, एंड प्लीज़ अपने कॉमेंट बॉक्स में डालें एंड अपने सवाल पूछें। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो। और जॉ सर्जरी कम डिस्कस टॉपिक है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप तक ये मैसेज पहुँचे, दैट योर क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक आवर फेसबुक पेज एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।